हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एसक्यूएल में टेबल बनाने के बाद उसमें कैसे कॉलम ऐड कर सकते हैं इसको लेकर के बात करेंगे। तो हम एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेते हैं, यहां से चलते हैं और यहां पे सर्च करते हैं एसक्यूएल। तो यहां पे एसक्यूएल आ जाएगा और यहां पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा सिस्टम जो है नेट से कनेक्टेड हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप एसक्यूएल का यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो नेट से कनेक्टेड हो जाइए। तो नेट से कनेक्टेड हूं, अब यहां पर कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर डेटाबेस पे जाना है और यहां से राइट क्लिक करना है, एक न्यू डेटाबेस बना लेते हैं। तो यहां पर एक डेटाबेस आ चुका है, यहां पर इसे मैं नाम दे देता हूं के, कोई भी डेटाबेस का नाम दे सकते हैं आप। तो ये मैंने एक छोटा सा नाम दे दिया है दिखाने के लिए। अब यहां पर डबल क्लिक करता हूं, यहां पे के आ रहा है, ठीक है, यही नाम दिया था हमने तो ये आ रहा है यहां पर। अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें इस पे डबल क्लिक करना है क्योंकि अब हमें टेबल बनाना है। तो यहां नीचे टेबल आ जाएगा और यहां पे चल करके यहां से न्यू पे आकर के और यहां से न्यू टेबल बना लेते हैं। तो यहां पे बनाने के लिए टेबल आ चुका है। अब यहां पर क्या करता हूं, आईडी लिख देता हूं और यहां पे डेटा टाइप क्या कर दूं, एन कैर ही रहने देते हैं और यहां पर इस पे टिक हटा देते हैं। और यहां पर क्या करता हूं, यहां पर लिख देता हूं लाइक फर्स्ट नेम। तो ये लिख दिया हमने फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इस तरीके से लिख देंगे फर्स्ट नेम। और फिर फर्स्ट नेम लिखने के बाद यहां पे एन कैर रखेंगे और यहां दे देंगे लास्ट नेम। तो ये लास्ट दे दिया और फिर यहां पे दे देंगे नेम। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे दिया है। और फिर यहां पर अगर आपको मिडिल नेम भी ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, यही बात करेंगे। तो यहां पर इन दोनों टिक्स को हटा देता हूं, अब इसको यहां से क्लोज करता हूं। तो ये सेव करने के लिए बोलेगा, यस कर दीजिएगा और इसे कोई नाम दे देते हैं, जैसे हमने के दिया है तो के ही नाम इसको भी दे देते हैं। तो ये टेबल भी क्रिएट हो गई है। आप यहां पर डबल क्लिक करेंगे तो आप नीचे ये देख पाएंगे हमारा डेटाबेस आ चुका है। और यहां पर जाकर के आप अपने डेटाबेस को देख भी सकते हैं, लाइक यहां पर देखिए ये डेटाबेस मैं दिखा रहा हूं, ये आपका डेटाबेस है इस तरीके से। अब यहां पर आईडी में वन कर देता हूं, फर्स्ट नेम में कर देता हूं राम और यहां पर लास्ट नेम में कर देता हूं कुमार, ठीक है। और यहां पर फिर ये कर देता हूं टू और यहां पे कर देता हूं राजू और यहां पे कर देता हूं लास्ट नेम में सिंह, ठीक है। इस तरीके से एक और नाम प्रियंका और यहाँ पे सिंक कर देते हैं। इस तरीके से करते चले जाएंगे और भी अगर आप देना चाहें तो और रिकॉर्ड भी फिल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हमने कर लिया, अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब ध्यान से देख लीजिए, ये यहाँ पे आईडी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही है और कोई कॉलम हमारे पास नहीं है। तो ये हमने बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेरी बनाते हैं। तो न्यू क्वेरी पे चलेंगे सीधा सीधा और न्यू क्वेरी पे आने के बाद यहाँ पर अल्टर का प्रयोग करेंगे। तो ये अल्टर लिखेंगे और यहाँ पर टेबल का नाम आएगा, जो भी आपके टेबल का नाम है वो चीज यहाँ पे आएगा। तो लिखता हूँ टेबल और फिर यहाँ पर टेबल का नाम दे देता हूँ लाइक जो भी टेबल का नाम है। तो यहाँ पर के दिया हमने तो ये के दे दिया और फिर यहाँ पर ऐड करवाएंगे। अब लिखेंगे ऐड इस तरीके से और क्या ऐड करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम ऐड करवाना चाहते हैं मिडिल नेम। तो यहाँ पर लिखा मिडिल और यहाँ पे अंडरस्कोर नेम एन ए एम ई, इस तरीके से हमने मिडिल नेम लिख दिया है। टाइप हमने नहीं दिया है तो यहाँ पे डेटा टाइप भी देना जरूरी है, तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप छोड़ रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ वेर कैर, वेर कैर ये डेटा टाइप है। और यहां पर सिर्फ सेवन लिख देता हूं और कुछ ना लिख करके सिर्फ सेवन लिखता हूं। और अब इसको सिलेक्शन में लेता हूं और अब यहां से एक्सिक्यूट करवा के देखता हूं क्या होता है। तो अब देख सकते हैं सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया है। अब हमको अपना डेटाबेस ओपन करना है। ये जो डेटाबेस है यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से एडिट टॉप 200 रोज इस पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिडिल नेम का कॉलम मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा यहाँ पे मिडिल नेम आ चुका है। तो यहाँ पे आप मिडिल नेम दे दीजिए कुमार, राम कुमार और यहाँ पर कुमारी कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर राजू कुमार सिंह, कुमार कर देते हैं यहाँ पे मिडिल नेम में। और यहाँ पे प्रियंका कुमारी सिंह कर देंगे तो KUMARI, ठीक है। और इसी तरह से आगे भी करते चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर मिडिल नेम का कॉलम ऐड हो गया है। तो इस तरीके से अल्टर का प्रयोग करके आप ऐड करवा सकते हैं कॉलम। आगे के वीडियोज में और भी ज्यादा इसमें चीजें बताता रहूंगा, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।